वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही कर्मवार कथा पावन बनी जपजी साहिब में हमने पिछले अंक में विचार करी थी कि परमात्मा सच्चार कैसे बनाता है, इंसान सच्चार कैसे बनता है। जब प्रभु के रब्बी हुक्म में इंसान चलना सीख जाता है तो इंसान सच्चार बन जाता है। आज के इस भाग में हम विचार करेंगे गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण करी हुई तीसरी पौड़ी की। गुरु नानक देव पातशाह जी संसार में हो रहे इस परमात्मा के बेअंत कौतुकों को देखते हुए वचन कर रहे हैं कि कोई इंसान परमात्मा के गुणों को गा रहा है, कोई परमात्मा के कई कई अलग अलग व्यंत किए हुए कौतुकों को, आश्चर्य कामों को देख के खुश हो रहा है, उस परमात्मा की सिफ्ती को, उस परमात्मा की कीर्ति को गा रहा है। गुरु साहिब जी का फरमान है, गावे को तान हुवे किसे तान। तान का अर्थ है ताकत। किसी को परमात्मा ने ताकत दी हो, वो उस ताकत से खुश होकर परमात्मा को गाता है। जहाँ संसार में परमात्मा की ताकत का जो पसारा पसरा हुआ है, ये जो पूरी ब्रह्मांड में परमात्मा की ताकत से दुनिया चल रही है, वो उस ताकत को देख के खुश होता है। परमात्मा का बनाया हुआ पानी है, पानी में इतनी ताकत है कि वो कई कई गांव, कई कई नगर बह देता है। परमात्मा की बनाई हुई आग में इतनी ताकत है कि बेअंत पदार्थ अगर आग के चपेट में आ जाएं तो वो जल जाते हैं। परमात्मा की बनाई हुई बेअंत पदार्थ जब तक रबी हुक्म में है तब तक सही आकर रबी हुक्म से उलट जाएं तो परमात्मा की ताकत का सामना कोई नहीं कर सकता, उन पदार्थों का सामना कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों को देख के कोई गा रहा है, उसे कीर्ति कर रहा है, गावे को तान हुवे किसे तान। गावे को दाद जाने निशान। कुछ मनुष्य उस परमात्मा को इसलिए गा रहे हैं कि उन्हें परमात्मा के मिली हुई दातों को देख के खुश हो रहे हैं, उसका शुक्राना कर रहे हैं। परमात्मा ने पानी दिया, परमात्मा ने खाने को पदार्थ दिए, ये सब परमात्मा के बनाए हुए चीज़ें हैं। ये बेअंत पदार्थ हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, ना ख़त्म होने वाले पदार्थ। पानी कितने समय हो गए दुनिया पानी पी रही है, पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये परमात्मा के बख्शिश की निशानी है कि परमात्मा ने इंसान को पीने के लिए पानी दिया है। पानी इतना अमूल है, पानी का कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज तो ले सकता है पर पानी की कोई कीमत नहीं ले सकता। खाने के लिए परमात्मा ने अनाज दिया है धरती में, कितना समय हो गया हम अनाज खाते हुए आ रहे हैं, अनाज कभी धरती में ख़त्म नहीं हुआ। ये परमात्मा की मिली हुई दातों की निशानी है, उस परमात्मा से मिले हुए पदार्थों का शुक्राना की निशानी है। ये हमें शुक्राना करना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने इतने पदार्थ दिए, परमात्मा की दात है। इंसान कहता है मुझे परमात्मा ने क्या दिया, हमें खाने को पदार्थ दिए हैं, हमें पहनने को कपड़ा दिया है, हमारी अलमारियाँ भरी पई हैं कपड़ों से, कपड़ा कभी ख़त्म नहीं हुआ दुनिया में, पहनने वाले ख़त्म हो गए, पहनने वाले थक गए कपड़े को पहन पहन के, पर कभी भी कपड़ों में कभी कमी नहीं आई। तो गुरु साहब कह रहे, गावे को तान हुवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बढ़ियाई आचार। कोई उस परमात्मा के गुणों को गा रहा है, उसकी बढ़ियाइयों को गा रहा है। चार का अर्थ है सुंदर, बेअंत। परमात्मा की जो बढ़ियाई हैं सुंदर हैं, बेअंत बढ़ियाइयाँ हैं। सुंदर का अर्थ है कि परमात्मा की बढ़ियाई इतनी अच्छी है कि
कि वो परमात्मा बढ़ियाई की जितनी मर्जी सांझ डाली जाए उतनी कम है। परमात्मा की बढ़ियाई की ऐसी बढ़ियाई है कि जितनी इंसान उसमें से ले ले उतनी कम है, बढ़ियाई की कभी कमी नहीं आएगी। जैसे कोई समुद्र के पास जाके अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार वहाँ से एक चम्मच पानी का भर लाए, दूसरा गया उसने गिलास पानी का भरा, तीसरा गया वो एक बड़ा सा टब ले गया, चौथा गया वो टैंकर ही ले आया। ऐसे ही इस संसार में परमात्मा ने बेअंत गुण दुनिया में डाले हैं, सब में डाले हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर दया नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर परोपकार नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर धर्म नहीं है, ये सबके अंदर डाला है। पर हाँ, हम दया का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं? हमारे अंदर दया है, हम दया का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे अंदर धर्म है, हम धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे अंदर प्यार है, हम लोगों से प्यार कर नहीं रहे। परमात्मा ने जो गुण अपने अंदर हैं वो सबके अंदर डाले हैं। अब इंसान की वृत्ति है, इंसान की सोच है, वो कितना उन गुणों का फायदा लेके अपने अंदर से प्रकट कर रहा है। गावे को गुण बढ़ियाइयाँ चार, गावे को विद्या विखम विचार। कुछ लोग उस परमात्मा की बनाई हुई विद्या ज्ञान को समझ के, पढ़ के, विचार के प्रसन्न होते हैं और आश्चर्य हो जाते हैं कि परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया। किसी भी पक्ष में देख लो, धार्मिक तौर में देख लो, धर्म का ज्ञान ही ज्ञान है। साइंस को देख लो, साइंस की स्टडी कर लो, ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फार्मासिस्ट, डी फार्मा बन गया, फार्मा के आगे भी कई प्रकार के दवाइयाँ बन गई। दवाइयों के अंदर फिर स्टडी करो, साइंस में कंप्यूटर में आ जाओ, कंप्यूटर साइंस, जावा लैंग्वेज आ गई, फिर वेब डिजाइनिंग आ गई। हर प्रकार का ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ये परमात्मा ने बेअंत ज्ञान, बेअंत फिलॉसफी, बेअंत धार्मिक वेद शास्त्र हमें दिए। कह रहे कुछ लोग उस ज्ञान को देख के, ज्ञान को समझ के परमात्मा को गा रहे, परमात्मा तो बेअंत है, तूने बेअंत ज्ञान हमें संसार में दिया है। गावे को विद्या विखम विचार, उस परमात्मा की महान विचार को देख के कुछ लोग प्रसन्न होते हैं और गाते हैं, परमात्मा को गा रहे हैं। गावे को साज करे तनखे, कुछ लोग परमात्मा को इसलिए गा रहे हैं कि परमात्मा दुनिया को पैदा कर रहा है, पैदा करता है, फिर उनकी शरीर की संभाल करता है, उनको शरीर के लिए संभाल के लिए उनका रिजक का प्रबंध करता है, फिर अंत में विनाश भी कर देता है। ये एक क्रिया चल रही है। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। कुछ लोग परमात्मा को इसलिए गा रहे हैं कि परमात्मा जीव लेके द्वारा देवी देता है। इस बात को थोड़ा समझना है। हम कहते हैं कि सृष्टि नाशवंत है, सृष्टि में कोई नाश नहीं होता, सृष्टि प्रवर्तनशील है। इंसान संसार में आया, इंसान का जब संस्कार होता है, इंसान के पांच तत्व में लीन हो जाते हैं। पानी पानी में मिल गया, अग्नि अग्नि के साथ जल गई, बचा हुआ शरीर मिट्टी बन गया, ये सारे जो तत्व हैं उसमें लीन हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ में, अब पेड़ को देखने देखने की इंसान की वो है, फितरत है। किसी ने देखा कि पेड़ में से पत्ते निकलें, पत्तों में आगे वनस्पति भी आई, वनस्पति का एक वनस्पति में मौसम में एक तब्दीली आई, पत्ते झड़ गए, झड़ के द्वारा धरती में पड़ गए, धरती में आके वो मिट्टी बन गए। वही मिट्टी फिर पेड़ों के जड़ों में गई, उसके बाद वो मिट्टी खाद के रूप में पेड़ में आई, फिर द्वारा पत्ते बन गए। यही परमात्मा के एक आश्चर्य कौतक है, जिसको देख के इंसान परमात्मा गुणों को गा रहा है कि परमात्मा सृष्टि को पैदा भी कर रहा है, विनाश भी कर रहा है, फिर द्वारा सृष्टि में समा दे रहा है। परिवर्तनशील है,
पानी का बुलबुला उठता है, आसमान में जाता है, फिर दोबारा घूम के फिर दोबारा समुद्र में आ जाता है। यही इंसान की के साथ होता है। इंसान का शरीर संसार में आया, कुछ समय इंसान का बांधा गया, उसे अच्छे कर्म करने को कहा, उसके बाद वो शरीर फिर दोबारा पांच तत्वों में लीन हो गया। तो इसलिए ये आश्चर्य कौतक देख के कुछ परमात्मा गुणों को गा रहा है, गावे को जी लय फिर दे, तू जीव लेता भी है, इंसान से जीत ले लेता है, फिर द्वारा देता भी है, द्वारा उसी को घुमाकर किसी न किसी रूप में संसार में किसी और को दे देता है। ये भी परमात्मा के बेअंत गुण हैं। गावे को जापै दसै दूर, कईयों को परमात्मा बहुत दूर दिखता है, परमात्मा को बहुत दूर माना जाता है। गावे को जापै दसै दूर, लगता है कि परमात्मा बहुत दूर है, पर कईयों को परमात्मा बहुत ही पास लगता है, परमात्मा को अंग संग समझते हैं। गावे को जापै दसै दूर, गावे को वेखै हादरा दूर, कईयों को अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने साग संबंधी में घट घट में हरजू बसै, संतन क्यों पुकार, सबै कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, सगल वनस्पत में वह संत सगल दूत में किया, ऊंच नीच में जोर समाणी कड़कड़ माधो जिया। कईयों को समाज में संसार में परमात्मा दिखता है, कईयों को बहुत पास दिख रहा है, जिन्हें पास दिख रहा है वो परमात्मा तेरे गुण गा रहे हैं। कई कई दूर समझ के गा रहे हैं, कोई पास समझ के गा रहा है, पर हर एक इंसान परमात्मा गुणों को गा रहा है। गावे को जापै दसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर, कथना कथीना आवे तूट, हे परमात्मा तेरे गुणों को कोई बयान नहीं कर सकता, करोड़ों ही गुण हैं, बयान करने के से ऊपर है। कथना कथीना आवे तूट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ों गुण हैं, कथ कथ के कथने से भाव है, परमात्मा गुणों को गाना, उसकी व्याख्या करनी, उसको गुणों को उच्चारण करना, गुणों को बयान करना। कह रहे इंसान बयान कर कर के जबान घिस जाएगी, दांत घिस जाएंगे, इंसान की उम्र ख़त्म हो जाएगी, पर परमात्मा तेरे गुणों का कोई अंत नहीं है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वरना साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। परमात्मा तो इतना बेअंत है, तेरे गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। इसलिए गुरु साहब ने कहा कोई तेरे गुणों को देख के गा रहा है और गा गा के थक गया है, पर तेरे गुणों का कोई अंत नहीं प्राप्त हो सका। देंदा दे लेंदे थक पाए, परमात्मा जीवों को दाते दे रहा है पर लेने वाले थक गए। कैसे थक गए? जब से हम पैदा हुए परमात्मा ने अनाज पैदा किया हमारे लिए, हमारे दांत घिस गए, दांतों को कीड़ा लग गया, पर हमारे टेबल में कभी अनाज की कमी नहीं आई, उससे वृद्धि हुई होगी। पहले हम एक सब्जी खाते थे, आज तीन खा रहे हैं। अनाज में तरक्की हो गई, हमारी थाली में तरक्की हो गई, पर हम खाने वाले थक गए, हमारे दांतों में कीड़ा लग गया, हमारी आँखें दुनिया का तमाशा देख देख के, दुनिया के कौतुक देख देख के थक गई, आँखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ गया। पर परमात्मा के बनाए हुए वनस्पति पेड़ पौधे ये कभी नाश नहीं हुए। परमात्मा हमें कपड़े दे रहा है, हम पहन रहे हैं, हमारे कपड़े पहनने वालों के कपड़ों में कोई कमी नहीं आई, सब स्टैंडर्ड बढ़ा है, स्टैंडर्ड के ऊपर हमारा बढ़ोतरी आई है। पर इंसान पहनने वाला ख़त्म हो गया, इंसान पहनने वाला थक गया, बुढ़ापा हो गया, शरीर में कमी आ गई, हड्डियाँ में कमी आ गई, हड्डियाँ सिकुड़ गई, शरीर सिकुड़ गया, किसी का तगड़ा हो गया, किसी का कमज़ोर हो गया, शरीर में परिवर्तन आ गया, इंसान का पहनने वाला इंसान थक गया, पर परमात्मा के दिए हुए पदार्थ कभी कम नहीं हुए। ये परमात्मा के दिए हुए पदार्थ परमात्मा दे रहा है, इंसान लेने वाला थक जाता है। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खा ही खाएं, आज से नहीं दे रहा, जुगों से दे रहा है, जब से जुगों का सिलसिला चला है वो दे ही रहा है। उसका काम है दाता देनी,
दाता देने का उसका काम है। पर गुरु साहब ने ये भी कहा कि दात देने वाला तो दे रहा है, पर लेने वाले का फर्ज बनता है कि उस प्रभु का शुक्राना करना। इंसान परमात्मा से दाते मांगता है, चीज़ें मांगता है, पर उस प्रभु को भूल जाता है। इसलिए गुरु साहब ने कहा उस परमात्मा गुणों को गाना है, गावे को देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। ये हुक्म, ये रब्बी हुक्म का जो सिलसिला है, ये एक अटल राह है। इस राह में चलना ही जिंदगी का असल मकसद है। ये परमात्मा की जो दुनिया की बनाई हुई कार का एक निश्चल राह है, एक रास्ता है। इस रास्ते में चल के ही उस प्रभु को पाया जा सकता है, गुणों को गाए के। तो प्रभु ने ये संसार की जो सृष्टि की जो एक कार चलाई हुई है, एक प्रोसेस चलाया हुआ है, ये एक निश्चल राह है, एक अटल राह है। हुक्म हुक्म चलाए राह, नानक विकसै वे प्रभा। वो वे प्रभा परमात्मा वो संसार की संभाल कर रहा है, संसार की पालना कर रहा है और संसार के जीवों की संभाल करता। इस हुक्म रूपी सत्ता में सारे जगत को पाल रहा है। सो समुच्चे इस पौड़ी का यही सार आपकी संगतों के सामने रखा गया है कि परमात्मा के गुणों को गाना। इस संसार में अगर हम आए हैं तो उस प्रभु के गुणों के साथ सांझ डाल ली। प्रभु के गुणों को कैसे गाया जाता है? कोई प्रभु की कीर्ति करता है, कोई प्रभु की बनाई हुई वनस्पति की कदर करता है, कोई परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों की कदर करता है, कोई इंसानों की कदर करता है, अपने अंदर दया धर्म संतोष धर्म का गुण पोलाइटनेस लेके आता है, अपने अंदर निम्रता लेके आता है। ये प्रभु के गुण हैं। ये प्रभु के गुणों को जब इंसान अपने अंदर पैदा करता है, प्रभु के गुणों के अनुसार ज़िंदगी को गाता है, जीता है, समझ लो फिर परमात्मा की सिफ्त कर रहा है। सो हम भी प्रभु के बनाए हुए इस हुक्म के नियम के अनुसार चल के अपनी ज़िंदगी में एक परिवर्तन लेके आएं, जो गुरु नानक देव पातशाह जी ने हमें शिक्षा दी है, तभी हम सच्चार बन सकते हैं। विचार करते हुई बेअंत गलती, आप संगत बख्शन योग है बख्श देना। अरदास करनी गुरु साहब, विचार करने की सुमत बख्शिश करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो का इंतजार करते हुए फतेह के साथ सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।